करवा चौथ का बेहद महत्व होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। करवा चौथ हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत कार्तिक महीने के चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में गणेश जी और करवा माता की पूजा की जाती है। करवा चौथ का व्रत बेहद कठिन माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखती हैं। यह त्योहार पति पत्नी के अटूट रिश्ते की मिसाल है। वैसे तो ये व्रत खासतौर पर विवाहित महिलाएं रखती हैं, लेकिन आजकल अविवाहित लड़कियां या जिन लड़कियों की सगाई हो चुकी है वह भी इस व्रत को करती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या कुंवारी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं या नहीं, और इस व्रत के दौरान कुंवारी लड़कियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बताया जा रहा है कि करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाओं के साथ साथ अविवाहित लड़कियां भी रख सकती हैं जिनकी सगाई हो चुकी है। साथ ही अगर किसी लड़की का प्रेमी है तो वह भी ये व्रत कर सकती हैं। लेकिन सुहागिनों से हटकर अविवाहित लड़कियों के लिए ये व्रत रखने की कुछ अलग ही विधि होगी। शास्त्रों के अनुसार सुहागिन स्त्रियों की तरह कुंवारी लड़कियों को करवा चौथ का व्रत निर्जला नहीं रखना चाहिए। ये व्रत अविवाहित लड़कियां निराहार रख सकती हैं, लेकिन निर्जला नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें सर्गी नहीं मिलती है। कुंवारी लड़कियों को इस दिन मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से उनका मनचाहा साथी उन्हें जल्द मिलता है। करवा चौथ व्रत में कुंवारी लड़कियों को नए कपड़े पहनकर सामान्य श्रृंगार करना चाहिए। इस व्रत में कुंवारी लड़कियों को केवल माता करवा की कथा सुनने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और शाम में करवा पूजन में भाग लेना चाहिए। जिन लड़कियों की शादी अभी तय नहीं हुई है उन्हें अपना व्रत चांद को अर्घ देने के बजाय शाम में तारों को अर्घ देकर खोलना चाहिए। वहीं जिन लड़कियों की शादी तय हो चुकी है वो शाम में चांद को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकती हैं। करवा चौथ के दिन कुंवारी लड़कियों को माता पार्वती और भगवान शिव को मीठे पकवान का भोग लगाना चाहिए और अपना व्रत भी इसी भोग को ग्रहण करके खोलना चाहिए। कुंवारी लड़कियों को इस दिन सुहाग की चीजें दान में नहीं देनी चाहिए। इस दिन व्रत कुंवारी लड़कियों को तारे देखने के लिए छलनी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए।